जनपद पंचायतों से मिल रही शिकायतों के निराकरण नहीं होने पर नाराज दिखे जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार, मीडिया के समक्ष रखी अपनी बात। पुलिस लाइन गेट व कंट्रोल रूम के पास अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को यातायात पुलिस ने किया जब्त, डीएसपी ने दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश। कपूरथला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त बुजुर्ग का पैर फंसने से हुआ हादसा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और प्रशासन द्वारा हटाए गए चिकन व्यापारियों ने व्यवस्थापन की मांग को लेकर निगम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, अस्थायी रूप से दुकान लगाने की मांगी अनुमति। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के द्वारा आज मीडिया के समक्ष चर्चा करते हुए कार्यपालन यंत्री की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं उन्होंने मनरेगा योजना के तहत कार्य स्वीकृत नहीं होने पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार अपनी सक्रियता से जनपद पंचायतों में बेहतर व्यवस्थाएं व कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा लगातार सभी जनपदों की समीक्षा बैठक ली जा रही है, जिसमें कई शिकायतें भी उनके सामने आ रही है। उन्होंने इन सब बातों को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने की बात कही है। इनके साथ में जनपद की कार्यों की समीक्षा ली गई। उस समीक्षा के दौरान ये निकल के आया कि जनजातीय कार्य विभाग के 23 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं, और ये स्थिति बन गई कि उन स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है, भगवान भरोसे स्कूल चल रहे हैं। दूसरी एक चीज और देखने को आई कि आरईएस के डिवीजन नंबर 1 में कहीं पर कोई भी सुदूर सड़क स्वीकृत नहीं हो रही है। अब प्रशासन से ही पूछना पड़ेगा कि आरईएस के क्रमांक नंबर 2 में ही सुदूर सड़क क्यों दी जा रही है। पिछले बार भी मेरी सभा में जब सामान्य सभा की बैठक हुई थी, उस समय मैंने बोला था कि सारे डिवीजन को समान रूप से सुदूर सड़क और जो टोले मंजरे हैं, जो पहुंच गहीन मार्ग वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सुदूर सड़क दी जाए। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही कर रहा है। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जिला पंचायत सीईओ की तरफ से बहुत ज्यादा घोर लापरवाही हो रही है। तो आज मैं उनसे भी चर्चा करूंगा इस विषय में, क्यों, क्योंकि जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। आज मैं उनसे खुद मिलूंगा। दो जनपदों की मैंने समीक्षा कर चुका हूं, लेकिन परिस्थितियां ये निकल के आ रही है कि डिवीजन नंबर 1 में कोई भी काम स्वीकृत नहीं हो रहा है, सुदूर सड़क के कोई भी बड़े काम स्वीकृत नहीं है। आरईएस विभाग वहां शून्य स्थिति में बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब समझूं मैं कि सिर्फ एक जगह इंटरेस्ट है? तो इस विषय में हमारी समीक्षा थी, समीक्षा पूर्ण हुई है। अभी सिर्फ मैं 2 जनपद गया हूं, अमरवाड़ा और हर्रई। कल मेरी सौसर है, उसके बाद पांडुर्ना है। तो पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद फिर मैं इन पर कार्रवाई करना। यातायात पुलिस द्वारा आज पुलिस लाइन गेट के अंदर व कंट्रोल रूम के आसपास अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को जब्त कर यातायात थाने लाया गया, जिन पर यातायात डीएसपी द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिए गए। दरअसल पुलिस लाइन क्षेत्र में कुछ व्यापारी वर्ग व डेली अप डाउन करने वाले लोगों के द्वारा कई दिनों से अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग किए जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। अपने काम से इस क्षेत्र में आने वाले लोग अपने वाहन पुलिस लाइन गेट व कंट्रोल रूम के आसपास खड़े कर देते हैं तथा काम होने के बाद वापस ले जाते हैं या शाम तक वाहन वहीं खड़े रहते हैं, जिससे पुलिस कर्मियों को अपने वाहनों की पार्किंग करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते यातायात पुलिस विभाग ने यहां पर खड़े अवैध वाहनों को जब्त करते हुए उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अरे यार, चार चार ही जा रही है ना। अरे और लाते कहीं सब लोग वहाँ उदाहरण के भी लगे, ये भी लगा देंगे ना, समझे? इनको भी मैंने कल 18-20 फोटो लग रही थी ना।
ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर खड़े हैं, ये एक पुलिस की जगह कहलाती है। इसको कुछ लोगों ने पार्किंग बना लिया है। पिछले काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ वहाँ के व्यापारी वर्ग या अप डाउन करने वाले अपनी मोटरसाइकिल या कार यहाँ खड़ी करके चले जाते हैं और फिर शाम को ले जाते हैं। आज हमने देखा यहाँ 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो पहले पता किया गया किसकी गाड़ी है, जब ये पता लगा कि हमारे स्टाफ की नहीं है तो इनको हमने नो पार्किंग एरिया से उठा करके ट्रैफिक थाने भेजा है और वहाँ इन पर कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह कपूरदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त एक बुजुर्ग का पैर फंस जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छिंदवाड़ा के चौरे थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कपूरदा रेलवे स्टेशन पर चांद निवासी एक बुजुर्ग ट्रेन से उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। बुजुर्ग को तत्काल उपचार हेतु चौरे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। परिजनों के द्वारा बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हमको मतलब ट्रेन से जा रहे थे, वो हमको एम्बुलेंस वाले ने बताया कि ट्रेन से उतरते समय उनका पैर फंस गया था, तो एम्बुलेंस वाले ने उनको फोन लगाया, फिर हम लोग छिंदवाड़ा। कहाँ का मामला है, कहाँ हुआ हादसा? ये कपूरदा के आ गया, कपूरदा पास। कितने बजे खबर लगी आपको? हमको लगी 8 बजे। क्या नाम है इनका? कैलाश ककार। कहाँ के निवासी? चार। आप उनके कौन? आपका क्या नाम? अनिल। तो ये किस जगह हुआ ये हादसा? ये कपूरदा के पास हुआ है। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4%, द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में विगत दिनों प्रशासन द्वारा जिन मांस विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर उनकी दुकानें तोड़ी गई थी, उन चिकन व्यापारियों ने आज सामूहिक रूप से नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपने व्यवस्थापन की मांग का ज्ञापन सौंपा। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चिकन व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताई तथा बताया कि दुकान नहीं होने से उनके परिवार पर गहरा आर्थिक संकट छाया हुआ है।
इसलिए उन्हें व्यवस्थापन प्रदान करते हुए दुकान लगाने की जगह दी जाए या फिर जब तक दुकान की व्यवस्था ना हो तब तक उन्हें उसी स्थान पर व्यवसाय करने दिया जाए। वे वहां शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय संचालित करेंगे। हमारी सुनो। सभी लोग मुर्गी का मांस बेचते हैं। मुर्गी का मांस हम इन लोगों को 2-2.5 महीने पहले ये कहकर वहाँ से हटा दिया गया कि हम तुम्हारा व्यवस्थापन करेंगे। इन्हें अभी तक 2-2.5 महीने में इनका व्यवस्थापन किया गया। आज इनका परिवार भूखे मरने की नौबत में आ गया है। आज हम नगर निगम प्रशासन से मिलने आए और उनको अर्जी दिए कि हमें व्यवस्थापन नहीं किया, जब तक व्यवस्थापन न किए जाए तो हमको उसी जगह में ठाक कर मांस बेचने की अनुमति दी जाए, ताकि इनके परिवार का पालन पोषण होता रहे। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में आज पुलिस द्वारा वाहनों की सघन जांच की गई तथा नियम विरुद्ध पाए जाने पर वाहनों के चालान काटे गए। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशानुसार कुंडीपुरा थाने के पास पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाकर दोपहिया व चौपहिया वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले व बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान काटे। वहीं चौपहिया वाहन में ओवरलोडिंग व सीट बेल्ट की जांच कर नियम उल्लंघन पर चालानी कार्यवाही की गई। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य सवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सेज ग्रुप भोपाल द्वारा शिक्षा आपके द्वार अभियान के अंतर्गत आज उत्कृष्ट शिक्षकों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अशरफ अली ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिसके बाद सभी को संस्था के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए योगदान देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया तथा परीक्षाओं व खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में BRC अजय केकतपुरे, किशन मन मृदुलकर, राजेश दौड़के, शैलेश कश्यप,
सेंट्रल मैनेजर हेड रविशंकर चौरिया, डॉक्टर आकाश घोड़से, फिरोज खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नेट की कैटेगरी को बताई और फिर जैसा उन्होंने अपने कॉलेज को डिफाइन किया, जैसा आप लोगों ने यहाँ पे जिन टीचर्स को बुलाया हुआ है, जिन स्कूल वालों को बुलाया हुआ है, उनके यहाँ के बच्चे 12th पास होकर आप लोगों की जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसा होता है कि बड़े शहर में जाने के बाद पेरेंट्स या बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस। सेज ग्रुप छिंदवाड़ा के अंदर एक बहुत ही अहम इवेंट को लेकर आया है, जिससे हम सभी स्टूडेंट्स और यहाँ के गणमान्य शिक्षकों का एक ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एक ऐसा कनेक्ट प्रोवाइड करें जिससे हमारा एजुकेशन छिंदवाड़ा का और ज़्यादा ऊपर हो। उसके लिए हमने एक इवेंट जो तैयार किया वो सेज शिक्षा आपके द्वार इवेंट है, जिसको हम मध्य प्रदेश और आसपास सभी ज़िलों में कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स का मोटिवेशनल एक स्पीच दी जाती है, स्टूडेंट्स को अलग अलग स्कूलों से इकट्ठा किया जाता है, देन उसके बाद उनको फेलिसिटेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि उनके जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं और स्पोर्ट्स वाले जो नेशनल और स्टेट लेवल खेले हुए स्टूडेंट्स हैं उनको हम अलग अलग लेवल पर उनको प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही में सभी शिक्षकों को स्कूल से हमने इनवाइट किया और वो सारे शिक्षकों का भी यहाँ पे हम सम्मानित कर रहे हैं, जिससे एक बेटर से बेटर हमारा कम्युनिकेशन हो सके, जिससे हम बेटर से बेटर एजुकेशन छिंदवाड़ा के बच्चों तक पहुँचा सके। जिला औषधि विक्रेता संघ के द्वारा 2 फरवरी से 4 फरवरी तक स्थानीय इनर ग्राउंड में केमिस्ट प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया तथा मीडिया के समक्ष प्रतियोगिता की जानकारी प्रदान की गई। जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा के तत्वाधान में केमिस्ट प्रीमियर लीग कराया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। इसमें हमने पूरे ज़िले के केमिस्ट साथियों को इसमें आमंत्रित किया है कि अपनी टीमें लेकर आएं और खेलें। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा कि हमारे व्यापार में समय बहुत कम होता है, तो हमारा उद्देश्य था कि हमारे केमिस्ट साथी अपनी बिजनेस से थोड़ा समय निकाल कर ग्राउंड में आए, क्योंकि यह हमारा जो व्यापार है स्वास्थ्य रिलेटेड, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, इसलिए हम उन्हें आमंत्रित किया था कि आप ग्राउंड में आएँ और हमारी पूरे ज़िले की, हमने पूरे ज़िले से 7 ब्लॉक से हमारे पास 10 टीमें आई हैं। जिला औषधि विक्रेता संघ के तत्वाधान में केमिस्ट प्रीमियर लीग CPL कराया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। इनर ग्राउंड नागपुर रोड पर कराया जा रहा है। इसमें हमने पूरे ज़िले से केमिस्ट साथियों की टीम आमंत्रित करी थी, जिसमें हमारे पास 10 टीमें पूरे 7 ब्लॉक से आई हुई है, जिनका हम लीग मैच करा रहे हैं। ये 3 दिवसीय मैच है, जिसमें हमारे जो केमिस्ट परिवार के खिलाड़ी आ रहे हैं उनके रुकने खाने की व्यवस्था यहाँ पर उचित की गई है। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के खेल प्रेमी बंदियों को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी इस टूर्नामेंट में सादर आमंत्रित हैं, आप सभी आएं। यहाँ पर आप लोगों के बैठने की भी उचित व्यवस्था की गई है, स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जनपद पंचायतों से मिल रही शिकायतों के निराकरण नहीं होने पर नाराज दिखे जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार, मीडिया के समक्ष रखी अपनी बात। पुलिस लाइन गेट व कंट्रोल रूम के पास अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को यातायात पुलिस ने किया जब्त, DSP ने दिए सख्त कार्यवाही के निर्देश। कपूरदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त बुजुर्ग का पैर फंसने से हुआ हादसा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
और प्रशासन द्वारा हटाए गए चिकन व्यापारियों ने व्यवस्थापन की मांग को लेकर निगम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, अस्थायी रूप से दुकान लगाने की मांगी अनुमति। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।